खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर को लेकर केंद्र सरकार जल्द ही ट्रस्ट को लेकर घोषणा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक एक हफ्ते के अंदर ही राम मंदिर ट्रस्ट की घोषणा की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई म्याद 9 फरवरी को खत्म हो रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्र सरकार उससे पहले ही ट्रस्ट की घोषणा कर देगा और पहले इस ट्रस्ट के प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा, जहां ट्रस्ट का संविधान और उसके सदस्य का खाका पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस ट्रस्ट की घोषणा के साथ मस्जिद के लिए भी 3 जमीन के प्लॉट का भी प्रस्ताव कैबिनेट में अप्रूवल के लिए रखा जाएगा और सुन्नी वक्फ बोर्ड की को तय करना होगा कि तीनों जमीन में से किसी एक जगह को वो चुने। सुप्रीम कोर्ट के मंदिर पर आए फैसले के बाद पिछले 2.5 महीने में सरकार, VHP, राम जन्मभूमि न्यास, सुन्नी वक्फ बोर्ड समेत सारे पक्षकारों से राय ले चुकी है, जिनका जिक्र सुप्रीम कोर्ट के फैसले में है। सूत्रों के मुताबिक इस ट्रस्ट में अयोध्या से करीब 11 सदस्य हो सकते हैं। बता दें कि राम मंदिर के पक्ष में 9 नवंबर को आए फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए नए ट्रस्ट गठन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को सौंपी थी, जिसके लिए 3 महीने का समय भी दिया गया था। तो एक हफ्ते के अंदर होगी राम मंदिर ट्रस्ट की घोषणा, कैबिनेट से जल्द मिलेगी राम मंदिर ट्रस्ट को मंजूरी। बता दें कि 9 नवंबर को फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था राम मंदिर निर्माण को लेकर और ये कहा था कि नए ट्रस्ट का गठन होगा, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को सौंपी गई थी, लेकिन उसके लिए साथ ही साथ 3 महीने का समय दिया गया था और ये 3 महीने का समय अब 9 फरवरी को खत्म होने जा रहा है। उससे पहले ट्रस्ट बनाने की जिम्मेदारी है और ये माना जा रहा है, सूत्रों के मुताबिक ये सामने आ रहा है कि इस ट्रस्ट में अयोध्या से करीब 11 सदस्य हो सकते हैं। तो अब जल्द ही राम मंदिर ट्रस्ट की घोषणा होगी और उसके बाद राम मंदिर बनाने का काम शुरू हो जाएगा। अमित सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अब एक ही हफ्ते का समय बचा है और जल्द ही ट्रस्ट बनाना है, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है, कितनी जल्दी ये काम हो रहा है और क्या लग रहा है जो 9 फरवरी की तारीख 3 महीने की समय दिया गया है और 9 फरवरी तक ये 3 महीने का समय खत्म हो रहा है, क्या उससे पहले ट्रस्ट बन जाएगा? देखिए, 9 फरवरी जो डेडलाइन है, 3 महीने की डेडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था केंद्र सरकार को, उसके पहले ही अब जो कवायद है वो तेज हो गई है। इस बात की संभावना बहुत कम है कि इसको एक्सटेंड किया जाएगा या इसको बढ़ाया जाएगा। अयोध्या डेस्क, जिसकी अगुवाई ज्ञानेश कुमार जो अधिकारी हैं गृह मंत्रालय में ही, वो इस डेस्क की अध्यक्षता कर रहे हैं और जानकारी मिल रही कि आजकल में जो अयोध्या डेस्क है वो अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सबमिट कर देगा और इसी हफ्ते या अगले हफ्ते के मंगलवार बुधवार तक जो कैबिनेट में ये जो रिपोर्ट है वो रखी जाएगी और कैबिनेट की मंजूरी लेने के बाद जो ट्रस्ट है उसका गठन हो जाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसकी संभावना बन रही है, क्योंकि 9 फरवरी से ही पहले ट्रस्ट बन जाना है, तो 9 फरवरी से पहले अगर ट्रस्ट का गठन होना है तो इसका मतलब यह है कि अगले हफ्ते तक इसको कैबिनेट की मंजूरी मिल जानी चाहिए। तो आजकल में अयोध्या डेस्क अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा। जानकारी ये मिल रही है कि जो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है और गुजरात का जो सोमनाथ का जो मंदिर है, मिला जुला स्वरूप होगा अयोध्या में जो प्रस्तावित मंदिर है भगवान श्री राम का, भव्य मंदिर होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ट्रस्ट में सदस्य कितने होंगे इसको लेकर अभी भी कई तरीके की खबरें आ रही हैं। चूंकि सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट में 6 सदस्य हैं, लेकिन अयोध्या में जो भव्य मंदिर बन रहा है, चूंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो ट्रस्ट में शामिल हों और वो अपना इतिहास बता रहे हैं, अपने संगठन का इतिहास बता रहे हैं, तो इस बात की भी संभावना है कि 6 से ज्यादा सदस्य होंगे। सदस्यों की संख्या 11 तक हो सकती है और 2 तरीके के सदस्य होंगे, एक तो पदेन सदस्य जिसमें मुख्यमंत्री होंगे, उत्तर प्रदेश के जो धर्मार्थ कार्य सचिव हैं वो होंगे, जिलाधिकारी अयोध्या होंगे इसमें पदेन सदस्य के रूप में। इसके अलावा जो अन्य संगठन जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए थे, जैसे VHP है, उसमें चंपत राय का नाम आ रहा है कि VHP से चंपत राय सदस्य हो सकते हैं। धर्मदास जो निर्वाणी अनि अखाड़ा के महंत हैं,
महंत अभिराम दास के समय ही मूर्तियां रखी गई थी 1949 में, तो उनके भी अखाड़े का अपना इतिहास है, तो इस लिहाज से धर्मदास को भी उसमें जगह मिल सकती है। नृत्य गोपाल दास जो अभी अध्यक्ष हैं, संभावना जताई जा रही है कि इन्हीं के हाथ में ट्रस्ट की कमान होगी। तो कई तरीके की खबरें आ रही हैं और एक खबर ये भी निकल कर आ रही है कि 5 एकड़ जमीन जो मस्जिद के निर्माण के लिए देनी है उसके लिए 3 प्लॉट का चयन किया गया है। हालांकि इस पर जुफर फारूकी जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनका यह कहना है कि जब तीनों प्लॉट के नाम सामने आ जाएंगे तो उसके बाद बोर्ड क्या तय करेगा वो हम उसके बाद ही इस पर कोई फैसला ले सकेंगे। तो बहुत तेजी आ गई है अब, चूंकि 9 फरवरी में बहुत समय है नहीं, तो ट्रस्ट के गठन मंगलवार बुधवार तक जो प्रस्ताव है वो कैबिनेट के पास होगा और उसके बाद उस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी। जी अमित, लेकिन इसमें देरी क्यों हो रही है? अब तक ट्रस्ट में किसी का भी, जैसे आपने बताया कि कुछ नाम सामने आ रहे हैं लेकिन अभी भी क्लियरिटी नहीं है उनके नामों में, देरी और असमंजस कहाँ पर पैदा हो रहा है? क्यों ट्रस्ट बनाने में इतनी दिक्कतें आ रही हैं? 3 महीने का समय, अब ज़्यादा दिन भी बचे नहीं है, 9 फरवरी की तारीख दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखिए 9 फरवरी 3 महीने की जो अवधि है वो 9 फरवरी को पूरी हो रही है। निश्चित रूप से हम जब बात कर रहे हैं, बिल्कुल जनवरी के लास्ट में हम जब बात कर रहे हैं, तो अब तक ट्रस्ट का गठन हो जाना चाहिए था। देरी की एक बड़ी वजह यह है कि बहुत से लोग हैं जो मंदिर आंदोलन के दौरान जुड़े हुए थे और उनका अपना एक इतिहास भी है, संगठन के रूप में भी, व्यक्तिगत रूप में भी बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि वो इस ट्रस्ट में शामिल हों। सरकार के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर जो ट्रस्ट बने उसमें कोई नाम ऐसा ना हो जिसको लेकर कोई विवाद हो या जिसको लेकर किसी तरीके का कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो। तो सरकार उसको एक एक जो सदस्य होंगे उनके नाम को लेकर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है और अयोध्या डेस्क इसीलिए बनाया गया कि आप सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर काम करेंगे, इसी लक्ष्य को लेकर काम करेंगे कि कोई भी नाम ऐसा ना हो जो विवादित हो, कोई भी नाम ऐसा ना हो जिसको लेकर कोई शको शुभा पैदा हो, और जो भी नाम सामने आए वो धर्म के क्षेत्र से बड़ा नाम हो, आंदोलन को समझता हो, भगवान राम के मंदिर के लिए जो आदर्श स्थितियां क्या क्या हो सकती हैं उसको लेकर उसको उसकी जानकारी हो। तो एक बड़ी वजह तो ये है। दूसरी बड़ी वजह ये है कि कौन लोग पदेन सदस्य के रूप में शामिल होंगे, चूंकि एक खबर तो ये भी आ रही है कि क्या प्रधानमंत्री को भी इसमें पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। तो पदेन सदस्यों के रूप में मुख्यमंत्री के साथ साथ कोई और बड़ा नाम इसमें शामिल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिस पर विचार हो रहा है। लेकिन जो खबर यह है कि 2-3 दिन में जो है वो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को। बिल्कुल अमित, कुछ ही समय बचा है, 9 फरवरी है जो मियाद खत्म हो जाएगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।